The God's Palace Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। मेरठ शहर की पॉश कॉलोनी विजयनगर में आरएसएस के नगर सह संघ संचालक व सराफ के घर डकैती डालने की कोशिश करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। गिरोह के सरगना भावना रस्तोगी, उसकी बेटी वंशिका रस्तोगी समेत उसके दो साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भावना रस्तोगी सर्राफ विजय वीर रस्तोगी की दूर की रिश्तेदार बताई गई है। इस गिरोह ने मकान किराए पर लेने की बात करते हुए घर में घुसने की कोशिश की थी। यहां पालतू कुत्ता बदमाशों पर झपट पड़ा, जिस कारण बदमाशों को वहां से भागना पड़ा था। गिरोह का पांचवा साथी आयुष त्यागी अभी पुलिस पकड़ से बाहर बताया गया है। आज एसपी क्राइम अनित कुमार ने मीडिया को यह जानकारी दी। ये दिनांक 15 जनवरी को जो वादी के घर में एक महिला और दो पुरुष ने जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया था, उन्होंने पहले ये प्ली ली थी कि हम यहाँ पे किराए पे कमरा लेने आए हैं। उसमें वादी की पुत्रवधु ने विरोध किया था, तो इन लोगों ने अवैध असले दिखाकर अंदर घुसने का प्रयास किया, जिसमें विफल रहे थे। ये मौके से फरार हो गए थे। ये घटना हमारे लिए एक चैलेंजिंग थी, क्योंकि इसमें एक महिला को पहली बार एक घटना हमारे सामने आई थी जिसमें महिला लीड कर रही थी, उसका चेहरा ढका हुआ था। इसमें एसओजी को लगाया गया, थाना पुलिस के साथ टीम ने डेवलप किया और कल रात हम इस घटना का सफल अनावरण करने में सफल हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने चार इसमें जो सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी की है। दो महिलाएं हैं और दो पुरुष हैं। ये पूरी घटनाक्रम इस तरह से है कि ये भावना रस्तोगी जिसमें मास्टरमाइंड है, ये और इनकी बेटी वंशिका, इन लोगों ने प्लानिंग की थी और वंशिका का जो एक फ्रेंड है विवेक, इसके माध्यम से दो अन्य लड़कों को बुलाया गया, एक मोहित सैनी और एक आयुष त्यागी। इन लोगों को बुला के और ये घटना पूरी अंजाम दिया गया। 14 तारीख में इन लोगों ने रैकी की थी, तो इनको आइडिया था कि इस घर में कौन कौन मिलेगा और हम किस तरह से इसमें एंटर करेंगे, और तरीका यही इन्होंने अपनाया कि पूछा कि कमरा हमें किराए पे लेना है। उनके द्वारा बताया गया हम कोई कमरा किराए पे नहीं देते हैं, फिर भी इन्होंने घुसने का प्रयास किया, बाद में अवैध असले भी दिखाए, पर ये सफल नहीं हो पाए थे। हमने जब इनको गिरफ्तार किया तो इन्होंने पूछताछ में बताया है कि इन्होंने पहले से रैकी कर रखी थी और ये जो वादी हैं उनसे रिलेशन में भी निकलती हैं भावना रस्तोगी, तो इनको पूरी जानकारी थी परिवार के बैकग्राउंड के बारे में। और इस घटना को करने के बाद में इनका प्लान ये था कि आगरा में दूसरी बड़ी घटना इस तरह से हम अंजाम देंगे। भावना क्या रिश्ता है इस परिवार से? ये उसी परिवार से हैं और वादी की संभवतः भतीजी लगती हैं, अभी उसकी पूरी जानकारी की जा रही है। उसी बड़े परिवार से हैं, डायरेक्ट रिलेशन ना होके एक परिवार के जैसे रहते कुनबे के, उसी को ये बिलोंग करती हैं। वो आगे इनका ये था कि इस घटना में सफल हो जाएंगे तो ऐसी रैकी करते हुए हम लोग चिन्हित करेंगे बड़े मकान को और फिर उसको उसमें घटना कारित करेंगे। जो अवैध असले हैं, जैसे ये पर्सनल ट्रेनर है, जिम में जैसे जो लोग जाते हैं उनके घरों पर जाके ट्रेनिंग देती हैं, इस तरह का है, और बाकी छोटे मोटे काम करती हैं। तो के पास से अवैध असले बरामद हुए हैं, एक 315 बोर का और 12 बोर के तमंचे बरामद हुए हैं। एक अभियुक्त इसमें फरार है आयुष त्यागी, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है, किंतु इनके जो कि दो अभियुक्त इसमें मुरादाबाद के रहने वाले हैं, तो वहां की पुलिस से संपर्क करके उनका आपराधिक इतिहास ज्ञात करने की चेष्टा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार। वर्तमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।